चीन लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा है, अब वो बेहद आक्रामक हो गया है। अब वो चाहता है कि भारत कमजोर होकर उसके सामने झुक जाए, ताकि वो एशिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए पिछले कई सालों से वो एक ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जिससे भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके, और चीन ने ये हथियार तैयार कर लिया है जिसका उपयोग उसने अब करना शुरू कर दिया है। चीन के इस नए हथियार के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये हथियार है कर्ज नीति। चीन ने अपनी इस नीति के चलते भारत के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे देशों को अपना कर्जदार बना दिया है। इसके जरिए वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। आइए जानते हैं कि चीन ने भारत के किन पड़ोसी देशों को अपनी कर्ज नीति में फंसाया है। श्रीलंका। चीन ने श्रीलंका के हनबन टोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट, सड़क निर्माण में 36,480 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2016 में ये कर्ज 45,600 करोड़ रुपए हो गया। श्रीलंका यह कर्ज नहीं चुका सका, इस पर उसे हनबन टोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा। पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन के CPEC प्रोजेक्ट में 4,156 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसकी बड़ी रकम कर्ज के तौर पर है। इसकी ब्याज दर 7% है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास नौसेना का बेस बनाना चाहता है। बांग्लादेश। चीन ने बांग्लादेश से BRI प्रोजेक्ट में समझौता किया था। चीन ने बांग्लादेश में 2.89 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। नेपाल। चीन ने नेपाल के रसुवा में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये तिब्बत से 32 किलोमीटर दूर है। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए हैं। मालदीव। मालदीव ने 2016 में 16 द्वीपों को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर निर्माण कार्य कर रहा है, ताकि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर नजर रखा जा सके। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, newsstart.com।